मसूरी की जहां आज ऐतिहासिक दिन रहा। आज हिमालयन राज्यों के लिए खास दिन रहा। कॉन्क्लेव का चूंकि आयोजन किया गया था, जिसमें हिमालयन राज्यों की जरूरत के लिए केंद्र को अपनी समस्याओं को अवगत करवा के पर्वतीय राज्यों के खास पैकेज की मांग की गई, जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध हम लोगों ने किया है। देश की सुरक्षा को देखते हुए पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को एक प्राथमिकता दी जाना चाहिए, और यह भी हम लोगों ने तय किया कि हिमालयी कॉन्क्लेव ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। हिमालय क्षेत्र के लिए एक अलग से मंत्रालय एक गठित हो। तो सीएम को आपने सुना, क्या कुछ खास रहा कॉन्क्लेव में, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। तो हिमालयन राज्यों के लिए अलग से पैकेज की मांग की गई है, और अलग से मंत्रालय की भी मांग की गई है कि प्रति जो राज्य हैं उनके लिए अलग से एक मंत्रालय हो। जल शक्ति आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई है, और राज्यों को ग्रीन बोनस मिले ये भी मांग रखी गई है इस कॉन्क्लेव के दौरान। नदियों के संरक्षण में वित्तीय मदद की अपेक्षा जो कि केंद्र से क्या कुछ उम्मीद करते हैं ये राज्य, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई है। हर साल ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, तो हिमालयन जो राज्य हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं, राज्य हैं, वो आज इकट्ठा हुए। उनके प्रतिनिधि, खासतौर पर मुख्यमंत्री अगर नहीं पहुंचे तो उनके प्रतिनिधि पहुंचे। ये कॉन्क्लेव आयोजित की गई, और कैसे पर्यटक स्थल जो है उनको कैसे डेवलप किया जाए इस पर भी चर्चा की गई, कैसे पलायन रोका जाए इस पर भी चर्चा की गई, और राज्यों के सम्मेलन करवाए जाने पर सहमति बनी है। और कम से कम इस तरह का सम्मेलन हर साल होगा, ये भी जो है फैसला लिया गया है। पर्यटन डेस्टिनेशन बनाई जाए, इस बात पर सहमति बनी है। तो हिमालयन राज्यों को केंद्र की सरकार अलग से पैकेज दे, अलग से मंत्रालय बनाया जाए इन राज्यों के लिए, इस बात पर सहमति बनी है। जल शक्ति को लेकर चर्चा हुई है, आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई है, राज्यों को ग्रीन बोनस दिया जाए ये भी जो है मांग रखी गई है इन राज्यों के प्रतिनिधियों की ओर से, और नदियों के संरक्षण में वित्तीय मदद दी जाए ये अपेक्षा हम केंद्र से करते हैं, इस बात पर भी जो है चर्चा हुई। बाद में इस बात पर जो है सहमति भी बनी है। तो तमाम बिंदु जो हैं इन राज्यों के हक से जुड़े, इनके हितों से जुड़े, इनके नागरिकों के हितों से जुड़े, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, सहमति बनी है इस कॉन्क्लेव के दौरान। हर साल ये कॉन्क्लेव जो है आयोजित की जाएगी ये भी डिसाइड किया गया है, इस बात की भी घोषणा की गई है। तो ज्यादा टूरिस्ट आए, ज्यादा रोजगार मिले, इस बात पर भी चर्चा की गई है। तो ऐतिहासिक दिन रहा अपने आप में, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे उनके प्रतिनिधि इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। हर एक साल ये कॉन्क्लेव जो है होनी है ये भी फैसला लिया गया है। केंद्र से मदद की जो है बात की गई है कि केंद्र मदद करे इसमें, जल संरक्षण को लेकर भी, आपदा प्रबंधन को लेकर भी, अलग से मंत्रालय बनाया जाए उसे लेकर भी, और नए जो पर्यटन स्थल हैं वो डेवलप किए जाएं, राज्यों को ग्रीन बोनस दिया जाए ये भी मांग रखी गई है इस कॉन्क्लेव के दौरान।